नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल वेब लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था आरआरसी का ग्रुप डी का भी जो फॉर्म फिल हो रहा है दोस्तों, उस फॉर्म के रिगार्डिंग किस जोन में कितना फॉर्म फिल हो गए हैं अब तक। तो आपको याद रहे दोस्तों कि ये जो डाटा लेकर के आया हूँ आपको 22 मार्च तक यानी आज ही का डाटा है दोस्तों। आज तक का यानी 9 AM 9 बजे यानी सुबह 9 बजे मॉर्निंग तक ये डाटा 100% रियल है, विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं इस चैनल पे कंटिन्यू क्लासेस एनटीपीसी का भी कंटिन्यू क्लासेस चला रहा हूँ दोस्तों। तो जितने भी स्टूडेंट एनटीपीसी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो भी सीरियस स्टूडेंट, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ ग्रुप डी का भी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट करवाना जा रहा हूँ, तो आप लोग ग्रुप डी का भी इससे इस चैनल से फायदा उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो नए स्टूडेंट इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन लोग फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर लेने के बाद घंटी का बेल आइकन इस टाइप से ऑन करना पड़ेगा, घंटी का बेल आइकन ऑन रहेगा तभी इस चैनल का जितना भी अपडेट दूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर किसी को जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, मैं जो भी बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में 100% रियल रहेगा। एक बात और बता देना चाहता हूँ, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे आरआरबी और आरआरसी को लेकर कंफ्यूज में है। ठीक है दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, पिछली बार जो ग्रुप डी का वैकेंसी आया था वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आया था, इस वर्ष जो आया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा आरआरसी के द्वारा आया है। तो इसमें दोस्तों आरआरसी में बहुत से डिफरेंट जोन है, जैसे में सेंट्रल रेलवे मुंबई आता है दोस्तों, नॉर्थ रेलवे इलाहाबाद, नॉर्थ वेस्टर्न में जयपुर, साउथ रेलवे में चेन्नई आता है। बहुत से स्टूडेंट आरआरसी रांची के लेकर के बोल रहे थे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए आरआरसी का रिक्रूटमेंट सेल का रांची जोन नहीं है, वो आरआरबी का जोन है, इसलिए वहां का बहुत स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे। ठीक है, आप लोग ध्यान रहे कि आपको आरआरसी यही जो दिखा रहा है वही जोन में अप्लाई करना है, क्योंकि रेलवे का यही आरआरसी का जोन है। ईस्टर्न रेलवे में हाजीपुर, गोरखपुर, सिकंदराबाद, हुबली, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, बिलासपुर, जबलपुर, कोलकाता, न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई। कोलकाता का दो जोन है, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्ट, साउथ ईस्टर्न। उसी तरह से मुंबई का भी दो जोन है दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे एंड सेंट्रल रेलवे। चलिए मेन जो मुद्दा है दोस्तों, मेन जो पॉइंट है टॉपिक, उसी के रिगार्डिंग अब डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में साथ साथ ये भी बताऊंगा कि जिस जोन में कितना अभी फॉर्म फिल हो रहा है उस जोन में अभी करंट में कितना वैकेंसी इस वर्ष आया है। ठीक है दोस्तों, देखिए जब रजिस्ट्रेशन कीजिएगा उस वक्त आपको जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले आपका बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, नाम वगैरह यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसी तरह का फॉर्मेट आपको आएगा। मैं दोस्तों एक बार फिर से बता रहा हूँ कि मैं जो भी डाटा आपके लिए लेकर के आता हूँ, सोर्स मेन सोर्स साइबर कैफे होता है और मैं खुद रजिस्ट्रेशन करके दोस्तों आपके सामने जो है शो करता हूं, क्योंकि 100% रियल इस चैनल पे जो भी दिखाया जाता है। साथ ही साथ यहां पे एनटीपीसी का भी एनालिसिस डेली करवाया जा रहा है दोस्तों। चलिए देखते हैं, जितना भी डाटा है सब 100% रियल है, और भी जोन का चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो ये जोन है दोस्तों, ये है, चलिए ये जो है नॉर्थ रेलवे न्यू दिल्ली का है दोस्तों, देख सकते हैं नॉर्थ रेलवे न्यू दिल्ली का। देखते हैं नॉर्थ रेलवे, नॉर्थन रेलवे न्यू दिल्ली में कितना फॉर्म फिल हो गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 लाख, ध्यान दीजिएगा, 4,02,808 रजिस्ट्रेशन हो गया है। किन्हीं को डाउट है अभी बेशक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस रजिस्ट्रेशन नंबर को चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के आसपास आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, क्योंकि 100% रियल आपको दिखाया जा रहा है। देख सकते हैं मनीष कुमार ने रजिस्ट्रेशन किए हैं यहाँ पे, 4,02,808 रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अब तक हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे दिल्ली की बात हो रहा है, दिल्ली का आपका रजिस्ट्रेशन कोड आगे में रहेगा 118 रहेगा। यानी यहाँ पे फॉर्म की बात करते हैं, यहाँ पे कितना वैकेंसी है, वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा है, इसी वजह से यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कितना बजा हुआ, 8:20 AM में हुआ है। देख सकते हैं 22/3 को हुआ, यानी आज ही का डेट है दोस्तों। देख सकते हैं आपको जब स्क्रीनशॉट यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन, कंप्यूटर में एक ऑप्शन आता है प्रिंट स्क्रीन लीजिएगा तो यही पूरा फॉर्मेट आपको प्रिंट हो जाएगा, उसी का स्क्रीनशॉट है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आरआरसी न्यू दिल्ली का यहाँ पे अभी करंट में कितना वैकेंसी आया है, सबसे ज्यादा वैकेंसी यहीं पे आया है, देख सकते हैं 13,153 वैकेंसी आया है, इसीलिए यहाँ पे फॉर्म भी सबसे ज्यादा यहाँ पे भरे जा रहे हैं। देख सकते हैं जनरल कैटेगरी का एक कॉमन 144 है,
2017 है, एससी का एसटी का 1031 है, ओबीसी का 3644 है, एंड ईडब्ल्यूएस का 10% तो रहता है, यानी 1317 है, यानी 13,153 रजिस्ट्रेशन आरआरसी न्यू दिल्ली में हो गया है। दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से मैं दिखा देना चाहता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यानी 4,02,808 रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुका है। नेक्स्ट जोन की बात करता हूँ दोस्तों, बहुत से चैनल पे जो है बहुत से जो है फेक डाटा को दिखाया जा रहा है, तो उनसे बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 100% डाटा देखिए उसके बाद रजिस्ट्रेशन किया कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करता हूँ आरआरसी हुबली की बात हो रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, साउथ वेस्टर्न रेलवे का हुबली एक जोन है। यहाँ पे बात करता हूँ अभी करंट में कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है दोस्तों, देख सकते हैं करंट में यहाँ पे, हाँ आ गया यहाँ पे, देख सकते हैं अशोक कुमार ने रजिस्ट्रेशन किए हैं, ये इनका रजिस्ट्रेशन हो गया है दोस्तों, कितना हो गया है आपको मैं दिखा रहा हूं, देखिए 1,00,002, 1,00,000, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1,02,372, 1,02,372 रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो गया है आरआरसी हुबली में, ध्यान दीजिएगा, हुबली में 1,02,372 रजिस्ट्रेशन आज के दिन 22 तारीख को हो गया है 9 बजे तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ का अगर कोड की बात करते हैं तो 124 यहाँ का कोड है, देख सकते हैं यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन रहेगा, यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन है, आप लोग डायरेक्ट मिला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे करंट में वैकेंसी कितना आया है हुबली जोन में, देख सकते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे का हुबली जोन में यहाँ पे वैकेंसी जो आया है दोस्तों, इस वर्ष टोटल वैकेंसी 7,167 है, जनरल की बात करते हैं 2745 है, एससी का 1138 है, एसटी का 557 है, ओबीसी का 2006 है, ईडब्ल्यूएस का 10% यानी 715 है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ भी अच्छा खासा वैकेंसी है, रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे जो है ठीक ठाक ही अभी गया है। नेक्स्ट जोन की बात करता हूँ दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट और भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बेशक अपना डेट टाइमिंग के साथ कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि उसका भी एनालिसिस इस पे जो है सामने पेश किया जाए, शो किया जाए, ताकि और भी स्टूडेंट को जो है और भी कंफर्मेशन पता चल सके। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जोन आता है यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता, कोलकाता में ऑलरेडी मैं बताया था कि दो जोन है, साउथ ईस्टर्न रेलवे का देखिए सोनू सिंह ने रजिस्ट्रेशन किए हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना रजिस्ट्रेशन अभी चला गया है साउथ ईस्टर्न में, यहाँ पे कोलकाता जोन में दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है 46,678 रजिस्ट्रेशन हो गया है, यहाँ पे देख सकते हैं सोनू सिंह का रजिस्ट्रेशन नंबर है 46,678 है। ठीक है, यहाँ का कोड 122 है, देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट प्रिंट स्क्रीन में गिवन है, 22/3 को रजिस्ट्रेशन किया गया है दोस्त, और ये 8/33 यानी आज ही के दिन में दोस्तों मॉर्निंग में रजिस्ट्रेशन किया गया है 22 तारीख को। ठीक है, 8:30 बजे 8:33 में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है 46,678। नेक्स्ट जोन की बात करते हैं दोस्तों, और हाँ यहाँ पे देख लेते हैं सीट अभी कितना आरआरसी के द्वारा यहाँ पे आया है, सीट देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे भी सीट अच्छा खासा है, 4914 सीट यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा 4914 सीट, जनरल में 1933 सीट है, एससी में 738 सीट है, एसटी में 361 सीट है, ओबीसी में 1305 है, और ईडब्ल्यूएस का 482 सीट है, यानी दोस्तों 4914 यहाँ पे वैकेंसी है, और यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन भी ठीक ठाक किसी वैकेंसी के अकॉर्डिंग चला गया है। सबसे ज्यादा बात करें तो यहाँ पे दिल्ली जोन में गया है। अब बात करते हैं दोस्तों वेस्टर्न रेलवे, मुंबई का वेस्टर्न रेलवे है, मुंबई में एक जोन है दोस्तों वेस्टर्न रेलवे, ऑलरेडी बताया था कि मुंबई का दो जोन है, वेस्टर्न रेलवे की बात कर रहा हूं, यहां का अजय कुमार ने कोई रजिस्ट्रेशन यहां पे किए हैं दोस्तों, तो यहां पे देखते हैं यहां पे आज के डेट में कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो रजिस्ट्रेशन आपके सामने लाया गया है दोस्तों, ये 21 तारीख का डाटा है, 21 तारीख का ये डाटा है, जो कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया था 1,03,619 रजिस्ट्रेशन हो गया था, ध्यान दीजिएगा 1,03,619 रजिस्ट्रेशन, ये आपको बता दें कि ये रजिस्ट्रेशन हुआ था दोस्तों 4:12 PM यानी शाम को 4:15 में 21 तारीख को, ध्यान दीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, 126 शुरू का स्टार्टिंग का रजिस्ट्रेशन कोड है, बाकी में 1,03,619 यहाँ का रजिस्ट्रेशन हो गया है।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों सीट की। सीट अभी कितना है तो देख सकते हैं, वेस्टर्न रेलवे मुंबई में दोस्तों सीट अच्छा खासा है, यानी 10,334 सीट यहाँ पे है। जनरल की बात करते हैं 4,287 है, एससी का 1,647 है, एसटी का 812 है, ओबीसी का 2,914 है, यानी ईडब्ल्यूएस का 1,074 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी अच्छा खासा सीट है। सीट के कार्ड अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट जोन की बात करते हैं, जो भी डाटा दिखाया जाता है इस चैनल पे, जो दोस्तों 100% रियल डाटा रहता है, देख सकते हैं ये है 20 तारीख का डाटा। ध्यान दीजिएगा 20 तारीख का डाटा है, ग्रुप डी का दोस्तों आरआरसी का इलाहाबाद जोन। ध्यान दीजिएगा राकेश सिंह ने जो है रजिस्ट्रेशन किए थे, यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन आईडी आया था 1,08,590 आया था दोस्तों। यहाँ का 115 स्टार्टिंग का कोड है, देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे गिवन है। इसका ये रजिस्ट्रेशन हुआ था कब हुआ था आपका, टाइमिंग यहाँ पे गिवन है 11:17 AM 20 तारीख को, 20/3 को। ठीक है दोस्तों, 100% रियल डाटा है। 20 तारीख को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया था 1,08,590 रजिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करता हूँ वैकेंसी कितना है, तो वैकेंसी की बात करते हैं दोस्तों, तो वैकेंसी यहाँ पे अलाहाबाद नॉर्थ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में आता है, तो यहाँ पे वैकेंसी है दोस्तों 4,330 वैकेंसी है, जिसमें जनरल का 2,080 है, एससी का 678 है, एनएसटी का 317 है, ओबीसी का 1,175 है, ईडब्ल्यूएस का 10% यानी 474 है। ठीक है दोस्तों, वैकेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन अच्छा खासा हो रहा है। अब नेक्स्ट जोन की और बात करता हूँ दोस्तों, आप लोग भी फटाफट कमेंट कीजिएगा, जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं आप लोग जरूर कमेंट कीजिए कि इस जोन में इतना रजिस्ट्रेशन हो गया है, ताकि मैं और भी एनालिसिस जो है बढ़ा करके भी और जोन का ला सकूं। क्योंकि दोस्तों मेरे पास कैफे के द्वारा 2-4-5 रजिस्ट्रेशन आते हैं करंट में, और एक दो रजिस्ट्रेशन मैं खुद से करके चेक करता हूं, उसके बाद जो है 100% करेक्ट डाटा आपके सामने लेकर के आता हूं। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रुप डी का सिकंदराबाद जोन। ध्यान दीजिए, ग्रुप डी का सिकंदराबाद जोन में दोस्तों रमेश कुमार कोई ने जो है रजिस्ट्रेशन किए थे। यहाँ का जो 21 तारीख का डाटा, ध्यान दीजिएगा 21 तारीख का डाटा है दोस्तों, यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन आ गया, देख सकते हैं 1,66,938 रजिस्ट्रेशन यहाँ पे इनका भी आ गया है दोस्तों। ठीक है, सिकंदराबाद जोन में देख सकते हैं आपके सामने 120 यहाँ का रजिस्ट्रेशन कोड है स्टार्टिंग का। ये रजिस्ट्रेशन हुआ था दोस्तों आपके सामने है, देख सकते हैं 6:52 PM में हुआ था रजिस्ट्रेशन, 21 तारीख का रजिस्ट्रेशन ये हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सीट की बात करते हैं, सीट कितना गया है, तो सीट यहाँ पे इस वर्ष आया है दोस्तों सिकंदराबाद जोन में, तो ये है दोस्तों 9,328 सीट है, जो कि अच्छा खासा सीट यहाँ भी है। जनरल की बात करते हैं 3,663 है, एससी का 1,432 है, एसटी का 722 है, ओबीसी का 2,577 है, एंड ईडब्ल्यूएस का 934 10% रिजर्वेशन जो होता है, यानी अच्छा खासा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी चला गया है। ठीक है दोस्तों, अब जो बात करता हूं आज जो है दोस्तों यहां तक इतना ही डाटा हमें मिल पाया था। आई होप इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किए होंगे, और भी डाटा के साथ दोस्तों नेक्स्ट डे जरूर लेकर के आऊंगा। डेली एनालिसिस इस चैनल पे कराया जाता है, ठीक है, 100% रियल विथ प्रूफ के साथ दिखाया जाता है दोस्तों। अगर किन्हीं को अभी भी डाउट लगता है तो बेशक कमेंट जो है रजिस्ट्रेशन करके आप खुद चेक कर सकते हैं। भैरी 2-4 हजार का डिफरेंस मिल सकता है, 1-2 हजार का डिफरेंस मिल सकता है, क्योंकि मैं जो डाटा दिखाया उस टाइम का 100% एग्जैक्ट एकदम करेक्ट डाटा है। क्योंकि दोस्तों ग्रुप डी का ही फॉर्म एट ए टाइम बहुत फिल हो रहे हैं, यानी कुछ जो है 1,500 का डिफरेंस आपको मिल सकता है अगर शाम तक रजिस्ट्रेशन कराइएगा तो। और एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं वो जो है दोस्तों करंट रजिस्ट्रेशन और डेट टाइमिंग के साथ जरूर कमेंट किया कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसका भी एनालिसिस साथ में कराया जा सके। और एनटीपीसी का जल्द ही जो है अपलोड हो रहा है यहाँ पे एनालिसिस विद 100% प्रूफ के साथ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो नया स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचा रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को फायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।